नमस्कार रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपके पास 5 रुपए के ऐसे सिक्के, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, 1 रुपए वाले नोट या 5 रुपए के ट्रैक्टर नोट या 10 रुपए के नाव वाले नोट, इनमें से कोई भी नोट या सिक्का है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ये एक महिला है जिनका नाम है बीना देवी और ये नोट और सिक्के खरीद रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फोटो में यहाँ पर ये व्यक्ति अपने नोट और सिक्के की जितने भी कलेक्शन थे उन्होंने इनको दे दिए हैं और इनको उसके बदले पैसे मिल गए। कितने पैसे मिले ये सभी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। जब इन्होंने हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो मैंने इनसे पूछा कि क्या जो व्यक्ति नोट और सिक्के सेल करना चाहते हैं उसको आपके घर जाना होगा, तो ये बोले कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति 50 या 100 किलोमीटर के अंदर का है तो वो मेरे घर आ सकता है। ये दिल्ली की रहने वाली है, यानी कि NCR जो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर रहती है। तो अगर आप इसके नज़दीक में रहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं इनके एड्रेस पे, लेकिन यदि आप कहीं पे दूर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, बिहार में रहते हैं या वेस्ट बंगाल, कोलकाता, कहीं दूसरे जगह रहते हैं, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर इनके कंपनी के कर्मचारी आपके घर पर आएंगे। जी हाँ, इन्होंने हमसे बताया कि जो लोग दूर रहते हैं उनको हमारे एड्रेस पर आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कर्मचारी खुद ही उनके घर पर जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको फ़ोटो भेजनी है, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इनको आप व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजेंगे और उसके बाद आपको ये बताएगी कि आपके घर जो है नोट और सिक्के लेने के लिए जो इनके कर्मचारी है, इनके कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए अक्सर जो कलेक्शन वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा पैसे वाले लोग ही खरीदते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये नोट और सिक्के कलेक्शन पर्पस के लिए ही खरीदी है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। तो कलेक्शन पर्पस के लिए जो भी व्यक्ति नोट और सिक्के खरीदना चाहता है वो आपको जाहिर सी बात है जो ट्रेडर होते हैं उससे ज़्यादा कीमत देगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में 2 ही लोग नोट और सिक्के खरीदते हैं, एक कलेक्टर और एक ट्रेडर। तो जो कलेक्टर लोग होते हैं वो आपको ज़्यादा कीमत देते हैं जबकि ट्रेडर लोग आपको कम कीमत देते हैं, क्योंकि ट्रेडर को भी आगे उस नोट और सिक्के को सेल करना होता है इसीलिए वो आपको कम कीमत देते हैं। लेकिन जो कलेक्शन पर्पस के लिए खरीदते हैं वो नोट और सिक्के को कलेक्शन करके किसी एल्बम में लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है, आपको कलेक्टर हैं ये और ये आपसे नोट और सिक्के खरीदेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ नोट और सिक्के की प्राइस क्या है और कितने में आपको सेल होगा, कौन से नोट और सिक्के सेल होगा, कौन से नोट और सिक्के अभी सेल नहीं होगा। इनके पास जो नोट और सिक्के की डिमांड है उसी की लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से नोट और सिक्के हैं और कितने पीस हैं। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करने में आलस महसूस करते हैं और उन्हीं लोगों के नोट और सिक्के जल्दी सेल नहीं होते जो लोग कमेंट नहीं करते हैं। मैंने देखा है जो लोग रेगुलर कमेंट करते थे लगभग हर एक वीडियो पे, उनके नोट और सिक्के सेल हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल गया उस पर मैसेज कर लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कमेंट जरूर से करना है ताकि आपके नोट और सिक्के जो है यहाँ पर सेल हो सके। तो चलिए मैं आपको नोट और सिक्के की प्राइस बताता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो नोट आता है वो है 10 रुपए के नौ वाले नोट। जी हाँ, 10 रुपीज़ बोट नोट आप इसको बोल सकते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट कलर के नोट है, यहाँ पर अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिल जाएगी आपको इस नोट पे, और साथ ही ये वाइट वाला वाटर मार्क एरिया में भी आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिल जाएगी। नोट के जो बैक साइड का डिज़ाइन है ये नोट को काफ़ी वैल्यूएबल बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नाव है और यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो लगा हुआ है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक लोगो है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में 10 रुपये लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसे नोट मौजूद है तो इसकी कीमत आपको ज़्यादा तो नहीं मिल रही है, लेकिन 70,000 रुपये यहाँ पर अभी फ़िलहाल मिल रही है जो अभी का डिमांड है उसमें। उसके बाद जो अगला नोट है वो है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। तो यदि आपके पास 5 रुपये के ऐसे ट्रैक्टर वाले नोट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अशोक स्तंभ वाले नोट होने चाहिए, ये इस तरह का अशोक स्तंभ यहाँ पर नोट पे बना होना चाहिए तभी आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी। देखिए इस नोट की कीमत जो है अभी फ़िलहाल चल रही है 40,000 रुपये पर पीस। आपको कुछ लोग जो है इसकी 3 लाख कीमत बताएंगे, लेकिन वो लोग 3 लाख फेक कीमत है और उसमें वो लोग नहीं खरीदते आपसे नोट और सिक्के। जी हाँ, 3 लाख वो लोग बताने के लिए बता देते हैं लेकिन वो नोट और सिक्के आपसे नहीं खरीदते। तो इसकी अगर आपके पास है तो 40,000 रुपये के अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो गांधी जी वाला नोट है 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला में,
तो अगर आपके पास ये मौजूद है तो इसकी कीमत अभी है फ़िलहाल 25,000, जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये कीमत काफ़ी कम लग रहा हो, लेकिन ये कीमत अभी फ़िलहाल यही चल रही है। हाँ, अगर इसमें आपके पास फैंसी नंबर के नोट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर नोट की नंबर दी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 1349771, यहाँ पे 1349771। तो अगर आपके पास ऐसे नोट है जिसमें 786 है या डबल 786 है या बर्थडे नंबर वाला नोट है, एनिवर्सरी वाले नोट है, तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। एक ऐसा नोट था जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपये थी, वो नोट था 10000, इस तरह से उसका सीरियल नंबर था, तो उसकी कीमत 2.5 लाख थी। तो अगर आपके पास अगर वैसे सीरियल नंबर वाले मौजूद होते हैं तो आपको भी जो है इतनी कीमत मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश इंडिया वाले कॉइन पे। यदि आपके पास ऐसे ब्रिटिश इंडिया के सिक्के हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हो 1/4 आना, इस पे कई सारे ऐसे कॉइन हैं जहाँ पर आपको क्वीन विक्टोरिया के फ़ोटो देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे कॉइन हैं जिस पे किंग जॉर्ज 5 के चित्र बने हुए हैं, और या तो अलग अंग्रेज जो राजा थे उस टाइम के वो उनकी चित्र बनी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं, या 1 पाइस का ये छेद वाला सिक्का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यदि आपके पास 1 पाइस का ये छेद वाला सिक्का है तो उसकी भी कीमत आपको यहाँ पर जो है, ये जो 1 पाइस का छेद वाला सिक्का है ये आपको 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से सेल होगा। और जो ये सब सिक्के हैं जिस पे किंग जॉर्ज 5 के चित्र बने होते हैं, 1/4 आना, 1/2 रुपीज, 1 रुपीज, इस टाइप के जो भी कॉइन है उसकी कीमत यहाँ पर आपको जो है लगभग मिल जाएगी 3 लाख रुपये तक। जी हाँ, 3 लाख रुपये तक आपको उसकी कीमत जो है वो मिल सकती है। तो अगर आपके पास हो तो आप लोग हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। उसके बाद 100 रुपये के एग्रीकल्चर वाले नोट अगर आपके पास मौजूद है तो इसकी कीमत आपको मिलेगी 1.2 लाख रुपये। जी हाँ, 1.2 यानी कि 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पर मिल सकती है 100 रुपये के एग्रीकल्चर वाले नोट की। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इस पे जो गवर्नर का सिग्नेचर है वो एस जगन्नाथन का होना चाहिए, तब आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा गवर्नर का सिग्नेचर है, जैसे कि सी रंगराजन, RN मल्होत्रा या कोई और गवर्नर के सिग्नेचर है, तो आपके नोट की कीमत थोड़ी कम मिलेगी, यानी कि 50,000 तो आपको मिनिमम मिलेगी ही, चाहे वो किसी का भी सिग्नेचर वाला क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको उसके लिए 50,000 रुपये तक जो है वो मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 20 पैसे का कमल फूल वाला सिक्का, यानी 20 पैसे लोटस कॉइन। यदि आपके पास 20 पैसे का ऐसा लोटस कॉइन मौजूद है तो आप उसको यहाँ पर सेल कर सकते हैं 35,000 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक के लिए आपको मिलेगी 35,000 रुपये। अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 ऐसे कॉइन होते हैं तो आपको यहाँ पर 3,50,000 रुपये जो है वो मिल जाएगा। यदि आपके पास 4 कॉइन ऐसे होते हैं तो आपको 1,40,000 रुपये इस कॉइन के बदले मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 786 नंबर वाले नोट की। तो यदि आपके पास 786 नंबर वाले नोट है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, तो आपके पास किसी भी वैल्यू के हो सकते हैं, चाहे वो 5 रुपये के हो, 10 रुपये के हो, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 500, 200, 2,000, जो भी नोट है उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। तो मान लीजिए आपके पास 786 नंबर वाले नोट जो है 2,000 के, तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपये मिलेंगे। और यदि आपके पास वो नोट 100 रुपये के है तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका नोट का जो डिनोमिनेशन है यानी कि वैल्यू कितनी है, उस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपके पास जो कौन से है नोट जो है किस वैल्यू के नोट है 786 वाले। जी हाँ, उसके बाद अगला जो सिक्का है हमारे लिस्ट में वो है माता वैष्णो देवी वाले कॉइन। तो यदि आपके पास माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सिक्के हैं तो 5 रुपये वाले सिक्के की कीमत यहाँ पर आपको मिलेगी 45,000 रुपये एक सिक्के की, और 10 रुपये वाले की मिलेगी आपको 60,000 रुपये एक की। तो मान लीजिए कि 10 रुपये वाले सिक्के आपके पास 10 पीस होते हैं तो आपको 6 लाख मिल जाएंगे, और यदि 5 रुपये वाले सिक्के आपके पास 10 पीस होते हैं तो यहाँ पर आपको 4,50,000 रुपये मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के की कलेक्शन कीजिए, मतलब जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ही ज़्यादा आपको पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। अगर आपने कोई प्रोसेस इस तरह का पहले किया है
तो भी ये प्रोसेस को आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये उससे अलग है। तो यहाँ पर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए ये जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा अपना नंबर भेजें, तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो उस पर आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं यदि आप किसी नोट और सिक्के की रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना नंबर भेजे लिखा होगा उसके नीचे एक ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करें पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको ओके करना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको बताएगा कि लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक हेड का आइकन दिखेगा, इस साइड कोने में आपको एक हेड का आइकन दिखेगा यहाँ पे, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद अगला पे क्लिक करना है। उस जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको बोलेगा अपनी जन्म तिथि दर्ज करें, सॉरी यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा जो कि इंटर करना होगा, और उसके बाद बोलेगा अपनी जन्म तिथि दर्ज करें। तो जन्म तिथि इस तरह से दर्ज कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, उसमें जन्म तिथि सेलेक्ट कीजिए और साइन इन करें पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना नाम पूछा जाएगा आपका, और जेंडर आप पुरुष हैं महिला है जो भी है, उसको करने के बाद प्रयास सफल हुआ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका प्रोसेस जो है कम्प्लीट हो चुका है, बायर के पास आपका नंबर चला गया। अब आपको क्या करना है, नोट और सिक्के की फ़ोटो बायर के पास भेजने के लिए आपको यहाँ पर जो है प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पे बीच में, तो उस पर क्लिक करके आप अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसको जो है ओपन करना है, 10-15 दिन आपको इसको चेक करना होगा क्योंकि 10-15 दिन टाइम लग सकता है सेल होने में। देखिए इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेज जाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा कलेक्ट करने में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा वेट करना है और डेली आपको ओपन करके चेक करना है कि आपका जो है ये पोस्ट कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर आपको पोस्ट अभी 0 दिख रहे हैं लेकिन यदि आप अपने सिक्के और नोट की फ़ोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट की संख्या दिखने लगेगी।